Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. हम भी बिल्कुल ठीक हैं. और अभी कोई 8 बज रहे हैं सुबह के और मैं जाने लगी हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने बनाना है स्पेशल ब्रेकफास्ट. वो इसलिए कि संडे है और बहुत टाइम हो गया था, बहुत ही बोरिंग सा नाश्ता कर रहे थे सब लोग, तो मैंने सोचा आज उन्हें अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाती हूँ. तो चलें जनाब, किचन में चलते हैं और ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं एग्स बॉयल करने के लिए रख दूंगी और साथ में कॉर्न्स भी ऐड कर दूंगी, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी बॉयल हो जाएंगी. और कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे एग्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के क्यों हैं, तो ये जो एग्स हैं ना, ये ऑर्गेनिक हैं और केज फ्री हैं. जो नॉर्मल एग्स यहाँ पे होते हैं वो वाइट ही होते हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि देसी अंडे मिलते हैं तो वो डिफरेंट कलर के होते हैं, तो यहाँ पे भी समझे कि ये देसी अंडे हैं. ये ज़्यादा हेल्थी होते हैं और इनकी प्राइस जो है वो डबल होती है. और प्राइस से याद आया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है. मैं सुन रही थी कि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो गई है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. यहाँ पे गैस लेने चले जाओ या फिर ग्रॉसरी करने चले जाओ, कोई भी चीज़ है ना, उसकी प्राइस अच्छी खासी ज़्यादा हो गई है. यहाँ पे कॉर्न्स बड़े मज़े की मिलती हैं. वैसे तो मैं पाकिस्तान की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली वेजिटेबल्स जो है ना, उनका तो टेस्ट ही और होता है वहाँ पे. यहाँ पे चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता. और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था चीज़ों का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान यूज्ड टू हो जाता है. और अब मैं सोचती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मुझे हर चीज़ कितनी डिफरेंट लगेगी ना, क्योंकि अब यहाँ की चीज़ें खाने की आदत हो गई है. अच्छा, फ्रूट में यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है और पूरा साल आपको हर तरह का फ्रूट मिलता है. ऐसा नहीं है कि सीज़न के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी. आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ पे वाटरमेलन और मेलन हर तरह के फ्रूट अवेलेबल थे. खैर, यहाँ पे अब मैं फ्रूट कट कर रही हूँ. एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैंने ग्रॉसरी की थी, तो फ्रिज में हर तरह का फ्रूट रखा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को नाश्ते में फ्रूट भी देती हूँ साथ. और आप लोग भी कोशिश किया करें कि कोई ना कोई फ्रूट जो है ना बच्चों को ज़रूर दिया करें, ख़ुद भी खाया करें. स्पेशली एप्पल जो है वो हर जगह अवेलेबल भी होता है और बहुत हेल्थी भी होता है, तो ज़रूर उसे ऐड किया करें नाश्ते में. फ्रूट को मैंने कवर कर दिया है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी मुझे, तो इस सब में टाइम तो लग ही जाता है. मैंने ना रात में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह उठ के क्या क्या बनाऊंगी. वैसे तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, लेकिन बस वही बात है ना, कभी कोई चीज़ नहीं होती थी घर पे और कभी कोई और वजह होती थी, कभी जल्दी होती थी. तो आज तो मैं सुबह जल्दी इसीलिए उठ गई थी ताकि आज जो है ना ये प्लान मेरा दोबारा से पोस्टपोन ना हो जाए. तो जनाब, यहाँ पे अब ऑमलेट की तैयारी हो रही है और मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा स्टाइल का ऑमलेट. ये बहुत ही सिंपल सा है. मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी, टमेटोज़ ऐड करूँगी और डालूँगी इसमें कैप्सिकम और एग डालूँगी. उसमें नमक मिर्च डाल के तो मैं उसको कुक होने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है. अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ. जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना रही थी, तो उसमें नमक कम रह गया मुझसे. क्योंकि होता है ना, आप नई जगह पे होते हो तो थोड़े नर्वस भी होते हो और हर चीज़ नई होती है आपके लिए, तो डिफरेंट होता है सब कुछ. खैर, जब मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा था नाश्ता, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता अच्छा था लेकिन ऑमलेट में नमक थोड़ा कम था. तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से नाश्ता बनाया और ऑमलेट में इस बार मैंने नमक पहले से ज़्यादा रखा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. तो इस बार जब उन्होंने नाश्ता कर लिया तो ऑमलेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच गया था. मैंने पूछा कि ऑमलेट नहीं खाया आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें नमक जो है ना ज़्यादा था काफ़ी, तो बीपी जो है ना हाई हो जाता है ज़्यादा नमक खाने से. तो मैं इतनी एम्बेरस फील कर रही थी उस टाइम पे कि मेरे से तो एक ऑमलेट ही सही से नहीं बन रहा. और मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि इतने दिनों तक मेरे से सही ऑमलेट बन ही नहीं रहा था. कभी नमक ज़्यादा हो रहा था, कभी ठीक भी होता था, लेकिन मोस्टली जो है ना नमक मैं कम ही रखती थी और ऊपर से ही वो सॉल्ट ऐड कर देते उस पर, क्योंकि किसी भी चीज़ में नमक अगर कम हो तो चल जाता है, उसके ऊपर से भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए ना नमक तो फिर चीज़ वेस्ट हो जाती है. खैर, काफ़ी दिन लगे और फिर जाके सेटिंग हुई ऑमलेट की. और अभी तो ऐसा है कि आंखें बंद करके भी डाल दो ना तो भी ठीक ही बनता है. अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट, जिसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया था, उसके अंदर एग्स ऐड किए 2 और थोड़ा सा ही मिल्क ऐड करती हूँ, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ. और शुगर जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड की थी. बस इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया और ब्रेड इसमें डिप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे बहुत ही कम ऑयल में. मुझे वैसे बचपन में ना फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मम्मी बहुत ही कम बनाती थी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ तो वहाँ पे ट्रेंड था ज़्यादातर पराठे, लस्सी और चने वगैरह खाने का, तो बस वही खा के ही हम बड़े हुए हैं. वो भी वैसे क्या दिन थे यार, जब हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती थी और खाना ही मुश्किल लग रहा होता था.
तो खैर यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक्स, और इस बार मैं जो मार्केट के होते हैं पैनकेक मिक्स वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और देखते हैं ऐसे कैसे बनते हैं पैनकेक्स, क्योंकि मैं यूजुअली घर पे खुद ही बनाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि जल्दी में हूँ तो ये बना लेती हूँ। इसमें मैंने बस मिल्क ऐड किया था, इसको मिक्स किया था तो बैटर इसका रेडी हो गया था, और दूसरी साइड पे ऑमलेट भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड कर दूंगी और ये मेल्ट हो जाएगा तो बस रेडी हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे मैंने मिल्क भी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि उससे मैंने कॉफ़ी बनानी है अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, कॉफ़ी से याद आया कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कॉफ़ी किस तरह से बनाते हैं, तो मैं इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, और अभी बनाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे जल्दी से बन जाती है कॉफ़ी। फिलहाल तो हम बना रहे हैं जी पैनकेक्स, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, और दूसरी साइड पे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, जो मुझे अपने बचपन में पसंद थे, अभी भी वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करके इंसान वर्कआउट करता है तो क्या फ़ायदा एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने का। तो कभी कभी खा लो तो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें लेना ना अच्छी बात नहीं होती। तो जनाब नाश्ता यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और टाइम देखें 9:15 हो गए हैं। बच्चे बार बार किचन में आके पूछ रहे थे कि मामा कितनी देर है, क्योंकि खुशबू जा रही थी ना उनको, वैसे तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आज उन्हें पता था कि कुछ स्पेशल बन रहा है तो इसलिए बार बार पूछ रहे थे। पिछले दिनों अली की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत तंग करा था खाने पीने के मामले में, तो शुक्र है कि उसने भी आज जो है ना अच्छे तरीके से नाश्ता किया और खूब इंटरेस्ट शो किया। जब पूरी फैमिली मील टाइम पे इकट्ठे बैठ के कुछ भी खाती है ना तो बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट बन जाता है, और बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। तो एटलीस्ट पूरे दिन में ना एक मील टाइम इस तरह का रखा करें कि पूरी फैमिली इकट्ठी हो और खूब एंजॉय किया करें उस टाइम को। हमारे घर में यूजुअली नाश्ता जो है ना सब डिफरेंट टाइम पे करते हैं, क्योंकि सबके उठने की टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो मैं साथ साथ ही दे देती हूँ, मेरे लिए भी उस तरह से ईजी होता है थोड़ा। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और सबको एक ही टाइम पर इकट्ठा करते हैं टेबल पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के लिए ना दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो हम जल्दी से बना लेते हैं कॉफ़ी। तो उसके लिए मैंने एक और आधा चम्मच लिया चीनी का, और इतनी ही मैं इसमें कॉफ़ी ऐड कर दूंगी, यानी एक और आधा चम्मच, और ये इंस्टेंट कॉफ़ी आपको इजीली मिल जाएगी कहीं से भी। आपने इसके अंदर एक टेबल स्पून डालना है पानी का, नॉर्मल वाटर जो होता है पीने का, और इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से ना स्पून से ही बीट कर लेंगे। इससे पहले हम अपने पैनकेक्स को भी टर्न कर लेते हैं, ये ना हो कि हमें जले हुए पैनकेक्स जो हैं वो टेबल पे रखने पड़ें। अच्छा, मुझसे किसी ने मैसेज करके कहा था कि मुझे कोई टिप दे, मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना अक्सर जल जाता है। तो आप ऐसा करें कि जब भी खाना बनाएं मीडियम हीट पे खाना बनाएं, हाई हीट पे अवॉइड करें, ताकि आपका खाना जो है जलने से बच जाए एटलीस्ट। यहाँ पे हमने कॉफ़ी को अच्छी तरह से बीट कर लिया, तो ये देखें ये फ्लफ़ी सी हो गई है, तो इसके अंदर हम गरम गरम मिल्क ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम स्पून से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मज़े का फ्लेवर बनता है। मैं जब भी वैसे अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ ना तो फिर एहतमाम से बनाती हूँ, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। मेरे हस्बैंड तो डेली ही लेते हैं नाश्ते में कॉफ़ी, और यहाँ पे वैसे जो कॉफ़ी मिलती है ना बाहर कॉफ़ी शॉप पे वो बहुत डिफरेंट होती है, जैसे हमारी चाय और कहवा होता है ना उसी तरह से यहाँ पे कॉफ़ी में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो जनाब फाइनली हमारी नाश्ते की टेबल जो है वो सज चुकी है। अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी बनाई थी क्योंकि हमारा प्लान था भी बाहर जाने का, तो मैंने सोचा कि ये हमारा ब्रंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छा खासा टाइम बाहर आराम से निकाल लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेबल पे क्या क्या था नाश्ते में। तो सबसे लास्ट में आपको फ्रूट की ट्रे नज़र आ रही है, उसके साथ चपली कबाब हैं जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे, अभी सिर्फ गर्म किया था उनको, उसके साथ ऑमलेट है, यहाँ क्रोसॉन्ट हैं, साथ में फ्रेंच टोस्ट हैं, बाकी पैनकेक्स हैं, और साथ में कॉर्न्स और बॉयल्ड एग्स हैं जो कि मैंने बच्चों को बाद में खिलाए थे, क्योंकि इतना सब होना तो बच्चे हेल्थी चीज़ें जो है ना वो अवॉइड ही करते हैं। अच्छा, हमने जब नाश्ता करना शुरू किया तो फिर मुझे याद आया कि ब्रेड तो मैंने टोस्ट की ही नहीं, तो ऑमलेट कैसे खाएंगे। तो बस दोबारा से फिर मैं गई ब्रेड टोस्ट करके लाई, और कुछ ना कुछ तो हमने भूलना ही होता है, ये तो रिकॉर्ड है ना फिर हमारा।
बच्चे जब सुबह उठे थे तो मैंने उनको मिल्क दे दिया था, तो अभी मैंने साथ में कोई ड्रिंक भी नहीं दिया था उनको। बस यही कहा था कि जो बच्चा अपना नाश्ता अच्छे से करेगा उसको मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क दूंगी, जिसकी बॉटल आपको टेबल पे नज़र आ रही है। ये एक्चुअली तीनों बच्चों को ना बहुत पसंद है, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मैं बहुत कम कभी कभी देती हूँ, वंस इन अ मंथ या इस तरह से। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अब हम बच्चों को पार्क लेके आ गए थे, क्योंकि वेदर अच्छा था तो ऐसा चांस कभी कभी मिलता है विंटर में, क्योंकि पार्क में और खुली जगह पे जो है ना सर्दी ज़्यादा होती है, ग्रीनरी होती है, पानी होता है साथ में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा विंड होती है। आज मैं आपको ड्राइव करते हुए ही सारे पार्क का टूर दे देती हूँ, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा व्यू जो है वो कैप्चर करें। तो यहाँ पे ये लेक है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे सारा ओपन एरिया है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं और फैमिलीज आती हैं पिकनिक करते हैं। स्पेशल यहाँ पे बारबेक्यू के लिए भी उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है कि आप अपना सामान ले आएँ और वहाँ पे सेटअप बनाया होता है। ये जो डेकोरेशंस आपको नज़र आ रही हैं ये क्रिसमस के लिए हैं, क्योंकि एक मंथ ही रह गया अब तो क्रिसमस में, और ये लोग तो एक दो महीने पहले ही हर चीज़ डेकोरेट कर लेते हैं। और इस बार हम सोच रहे थे कि एली की बर्थडे जो है ना वो अगर मौसम अच्छा हुआ तो पार्क में ही सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं, बस अब चेंज वेंज करेंगे, बच्चों को नहलाना भी है, कल उन्होंने स्कूल जाना है। तो बस ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर दें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।